युवराज जी, आपने आर्ट वर्क एकेडमी का स्थापना की, जस्टिस है, अच्छी बात भी है, बच्चों को तैयार भी करते हैं, बचपन से ग्रो करते हैं, आखिर ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? ऐसा है कि मैं बचपन से ही इस कला के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें प्रैक्टिस करके, जब मैं अपने नागपुर से लेकर मुंबई तक का सफ़र जो मेरा रहा है कि साल्ट के फील्ड में, और इस बीच में मैंने जो भी ग्रो किया है, जो भी स्टेट और नेशनल अवार्ड मैंने हासिल किए हैं और जो भी मेरी क्रिएटिविटी उसमें से बढ़ी उस सफ़र के दौरान, तो इसलिए मैंने बाहर से मैंने एक सोचा कि ये जो चीज़ है, ये जो आर्ट का जो मापदंड है, जो आज के तारीख में पेरेंट लोग जो है वो ज़्यादातर उसको ये नहीं देते, मतलब उसको उतना ज़्यादा मानते नहीं है, तरजीह नहीं देते हैं और पढ़ाई को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं चाहता था कि पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग जैसी एक कला को भी पेरेंट लोग जो है अपने बच्चों में देखें, उनको एक कला के प्रति अभिरुचि बढ़ाए और उनको इस फील्ड में भी आगे तैयार करें, ताकि बच्चे जो है कॉम्पिटिशन में हर एक क्षेत्र में वो रेडी रह सकें। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और इस आर्ट वर्क एकेडमी में निर्माण किया। बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं आर्ट वर्क एकेडमी के अंतर्गत? आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? जी राजीव जी, ऐसा है कि हमारे इस एकेडमी, हमने शुरुआत तो पहले ड्राइंग एंड पेंटिंग से की थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने इस फील्ड को आगे ग्रो करने की कोशिश की तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आने लगी अलग अलग टाइप की, कि किसी को राइटिंग क्लास में इंटरेस्ट था, किसी को कैलीग्राफी में था, किसी को डांस में था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस आर्ट वर्क एकेडमी को थोड़ा सा व्यापक बनाया जाए। तो हम लोगों ने इस एक छत के नीचे काफ़ी कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग, वेस्टर्न डांस, क्लासिकल डांस, फोनिक्स, एबेकस एंड फिटनेस के लेवल में हम लोगों ने योगा, पावर योगा, थेरेपेटिक योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, इस तरह से और कराटे क्लासेस भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी शुरू किया हुआ है। तो ये सारे एक्टिविटी हम लोग एक ही छत के नीचे हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। विलास जी, अभी आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या सीख रहे हैं, उनके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? ऐसा कि करीब करीब हमारे एकेडमी में अभी 150 से 200 बच्चे हैं और हर साल हमारे यहाँ से कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे यहाँ से हम लोग पास आउट होकर निकलते हैं और काफ़ी मात्रा में जो है इस आर्ट के फील्ड में या अदर एक्टिविटीज़ जो है, जो हमारे जो इस फील्ड से निकल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने स्कूलों में और कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं। आपने इस क्षेत्र में अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक पहुँचे? सुना कि आपको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरी जो शुरुआत है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, बीए इंग्लिश लिटरेचर लेके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मेरे सामने सवाल आया कि अब क्या नेक्स्ट, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने अंदर झाँक के देखा कि मेरे अंदर में ऐसी क्या खूबी है कि जिसको मैं आगे अपना करियर का एक बेस बना सकूँ। तो फिर मैंने मेरे अंदर जो ड्राइंग में रुचि थी, ड्राइंग का जो एक अच्छा मेरे पास एक सामने आया, फोकस किया मैंने उसके ऊपर। तो फिर मैंने वहाँ से नागपुर से कुछ 200 किलोमीटर दूरी पे एक नौरगांव चित्रकला महाविद्यालय, नौरगांव में एक कॉलेज है, काफ़ी चर्चित कॉलेज था और काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन से वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की और वहाँ से मैंने एक जो मेरा प्रवास, जो मेरा जर्नी स्टार्ट की, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड और कॉलेज के लिए भी अवार्ड मिले। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया नागपुर चित्रकला महाविद्यालय से। नागपुर चित्रकला महाविद्यालय से मैंने वहाँ से ATD की शिक्षा हासिल की। ATD में भी मुझे कॉलेज से अवार्ड और स्टेट अवार्ड मिले। फिर उसके बाद मैंने सीधा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का मेरा प्रवास रहा है। फिर वहाँ से मैंने शिक्षा पूरा 4 साल का डिग्री कोर्स वहाँ पे हासिल किया है और मैं प्रथम श्रेणी में वहाँ से उत्तीर्ण हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। और वहाँ पे भी मुझे स्टेट अवार्ड मिले और 2002 में मुझे नेशनल अवार्ड मिले और करीब करीब नागपुर से लेके मुंबई तक के सफ़र में मुझे मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली गवर्नमेंट की तरफ से। और इस फील्ड में मैंने इस प्रकार और कई सारे मैंने एग्जीबिशंस भी किए, अपने सोलो एग्जीबिशन किए हैं, ग्रुप एग्जीबिशन किए हैं और आज के तारीख में मेरे काफ़ी सारा पेंटिंग इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं और अब्रॉड भी जा चुके हैं। राज जी, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको इस्टेब्लिश करना आसान नहीं होता। जी, उसी प्रकार आपने आर्ट वर्क अकेडमी का स्थापना की, ये भी कार्य कोई आसान नहीं होगा। आपने कैसे संघर्ष किया, किन किन लोगों ने साथ दिया इसमें?
जी राजेश जी, ऐसा है कि हाँ सही कहा आपने कि किसी भी संस्था को बड़ा होने के लिए काफी वक्त लगता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे इसमें भी मैं गुजरा हूँ। स्टार्टिंग शुरुआत की दौर में मैंने जो ड्राइंग का जो फील्ड मेरा था, तो उसी में मैंने ये जो क्लासेस है उनको शिक्षा देने का जो काम मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया। तो पहले मेरे पास एक या दो स्टूडेंट आते थे और मेरा अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, मेरा जो जो मेरे जो मैं कार्य पद्धति, जो मेरा सिखाने का टेक्निक था, तो वो मैंने उसको फॉलो किया। तो दो से चार, चार से छः, इस तरह से स्टूडेंट काफ़ी बढ़ते गए। तो हमें उस फील्ड को आगे लाना था, बाहर लाना था। इसमें फिर हम लोगों ने अपना जो घर में जो हम लोग क्लास लेते थे वो हम लोगों ने बाहर लेके आए। बाहर हमने अपनी एक जगह बनाई और वहाँ से हम लोग क्लासेस हमने स्टार्ट करते। इसी काम में मुझे मेरे जो लाइफ पार्टनर है मिसेस सुषमा भोयर, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। और वो और उसके साथ साथ क्योंकि मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो भी कला में काफ़ी रुचि रखती थी, उनको उन्होंने भी एलिमेंट्री इंटरमीडिएट जैसे एग्जाम में पास आउट हो चुके थे। वो खुद भी एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ वो BSc ग्रेजुएट रह चुके हैं, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में ए ग्रेड से पास हो चुके हैं, प्लस शास्त्रीय संगीत और योगा जैसे महारत उन्होंने हासिल की है। तो उनका एक ज़्यादा मुझे अच्छा सपोर्ट रहा इस क्लास को रन करने के लिए। और साथ ही साथ मेरे फादर इन लॉ और मेरे पेरेंट्स ने भी इस फील्ड में पुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और इस तरह से हम लोगों ने एक एक छोटी सी जगह बनाई जहाँ से हमें 50 स्टूडेंट हमारे पास बन गए अलग अलग फैकल्टी के। तो उसके बाद जी राजीव जी, ऐसा हुआ कि वो भी जगह हमें छोटी पड़ने लगी। तो उसके बाद हम लोगों ने एक थोड़ी सी बड़ी और जगह ले ली जहाँ पे अभी हमारा एग्जिस्टेंस, आप जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहीं पे हम लोगों ने थोड़ा बड़ा सेटअप हुआ था। आज के तक में हमारे पास 150 से 200 स्टूडेंट है अलग अलग फैकल्टी में, और अलग अलग फैकल्टी के साथ अलग अलग फैकल्टी भी हमारे पास, अलग अलग ट्रेनर्स है हमारे पास उनको बच्चों को प्रोग्रेस, बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है टैगलाइन ही है कि वी इम्प्रूव टैलेंट। हम लोग जितने भी हमारे स्टाफ है वो भी सारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, प्रोफेशनल तरीके से, और वो प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं और वो इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। विलास जी, सुनने में आ रहा है कि आप आर्टवर्क एकेडमी के अलावा के बच्चों का प्ले स्कूल भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कोई ऐसी योजना है क्या? जी हाँ राजेश जी, ये हमने एक और एक पहल की है कि हम लोगों ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया हुआ है कि ये जो अदर एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उसके साथ साथ हमने हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग प्री स्कूल शुरू किया जाए, जिसका हमने नाम अभी रखा है किलबिल कॉन्वेंट, जो हम लोग एक प्री स्कूल की तरह चलाएंगे। जो बच्चे 2 से 2.5 साल के बच्चे जो है, जो ग्रोन अप कर रहे हैं, उनसे ही हम उस न्यू से हम बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करेंगे उन लोगों को। तो इस तरह से उस वेंचर को उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है मेरे पास ये जो है इस तरह से। और ये किलबिल कॉन्वेंट का हमारा एक ब्रोशर है जिससे हम लोगों ने इस कॉन्वेंट को शुरू करने की पहल की है। इसमें हम बच्चों को सब टाइप का एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, योगा, इस तरह के एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग उनको शिक्षित भी करेंगे, ताकि बच्चे आने वाले समय में जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, या आने वाले समय में उनके स्कूल लाइफ में उनको ये जो चीज़ है, उनकी ये जो एक्टिविटी जो है वो उनके लाइफ में उसको मजबूत करने में उनको योगदान मिलेगा, मजबूत करने में उसको सहायता होगी। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको शुरू किया हुआ है। आपने आर्टवर्क एकेडमी की स्थापना करके अच्छा कार्य किया, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उन्हें बचपन से तैयार कर रहे हैं। अब जो बच्चे आपके यहाँ आना चाहते हैं उसके लिए और जो बच्चे तैयार होकर निकल रहे हैं उसके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ राजेश जी, हमारा मकसद ये था कि हम बच्चों के टैलेंट को निखार सकें, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि सब लोग उस परसेंटेज और मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग जानती कि एक स्पर्धात्मक युग है, एक स्पर्धा चल रही है। तो इसमें हर एक पेरेंट अपने अपने बच्चों को अव्वल दर्जे पे, ऊंचे लेवल पे देखना चाहता है। इसकी वजह से सारे सभी के सभी पेरेंट जो है स्टडी के पीछे लगे, लेकिन हमारा जो मानना है कि हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में एक कम से कम एक या दो एक्टिविटी ऐसी आनी चाहिए ताकि अपने लाइफ में, आने वाले लाइफ में ये एक्टिविटी उनको संभलने का एक मौका दे सके। तो इसकी वजह से हमने इस आर्टवर्क एकेडमी की शुरुआत की थी, ताकि बच्चे जो है
चाहे वो ड्राइंग की फील्ड में वो अपना हुनर को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो डांस के इसमें सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर चाहे वो करंट के सेक्शन में अपना हुनर हासिल कर सकते हैं। तो इन सारे मामलों में हम लोग उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को भी और पेरेंट को कि डियर पेरेंट्स या डियर स्टूडेंट्स, अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सारी जो एक्टिविटी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनमें आप लगातार कोशिश करो, इस कंपटीशन में बनाए रहो, ताकि इस कंपटीशन में बनाए रहोगे, अगर आपका 10th या 12th में जरा सा भी परसेंटेज आपका ऊपर नीचे हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऐसा एक टैलेंट मौजूद है जिसमें आपका लाइफ में आप स्टेबल हो सकते हो, उसमें आप अपनी महारत हासिल कर सकते हो। क्या पता आपके लाइफ का एक सुवर्णमय युग शुरू हो। विलास जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच।